नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम आपको ले चलेंगे रंगों की दुनिया में। ये रंगों का महत्व क्या होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक ज्योतिष विज्ञान है जो ग्रहों के आधार पर चलता है, और ग्रहों का आधार जो है वो राशियों से मिलता है, और राशियों के आधार पर सबके फेवरेट कलर अलग अलग होते हैं और सबके भाग्यशाली कलर रंग अलग अलग होते हैं। रंगों से किस्मत चमकाई जा सकती है अगर आप सही रंग का इस्तेमाल करें, सही रंग के कपड़े पहने, सही रंग का आपके पास बैग हो, वो आपका लकी बैग बन जाता है, आपका लकी वस्त्र बन जाता है, वो काम करने लगता है। तो मन में उलझन है कि आखिर मेरा लकी कलर है क्या, और मैं कौन से वस्त्र धारण करूं कि मेरे सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएं? मेरी राशि के अनुसार मेरा लकी कलर क्या हो सकता है, मेरी राशि के अनुसार ग्रहों का स्वामी कौन हो सकता है जिसका कि एक रंग होगा और उस रंग को अपनाने से मेरी किस्मत चमक सकती है। आज हम आपको यही बताएंगे कि रंगों से किस्मत कैसे चमकती है। हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के अपने दो रंग होते हैं, एक रंग होता है नारंगी कलर, ऑरेंज कलर, और एक होता है लाल कलर यानी रेड कलर। अगर मेष राशि वाले लाल रंग अपनाए या नारंगी रंग को अपनाए, यानी कि उसके वस्त्र पहने, रुमाल वैसा रखें, बैग वैसा रखें, पर्स वैसा रखें, तो उनकी किस्मत चमकने लगती है, उनके काम बनने लगते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा मेष राशि वालों के लिए ये ध्यान रखना है, आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो ऑरेंज और लाल रंग का आपका लकी कलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली राशि लेते हैं जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए उनका स्वामी शुक्र होता है। अब शुक्र का कौन सा कलर है, अब शुक्र क्या देता है, धन दौलत प्यार सब देता है, रिश्ते बनाता है, तो शुक्र को बलवान करना है। और अगर आपके जीवन में सुख शांति आनी है, प्यार आना है, धन दौलत आनी है, तो आपको एक खास कलर अपनाना पड़ेगा, खास रंग अपनाना पड़ेगा, और वो होता है आपके स्वामी शुक्र का गुलाबी कलर। गुलाबी रंग के आप वस्त्र धारण करें, गुलाबी रुमाल रखें, गुलाबी तिलक लगाएं, है ना, और महिलाएं हैं तो गुलाबी नेल पॉलिश लगाएं, गुलाबी तिलक लगाएं, तो उससे जो है उनका शुक्र ग्रह बलवान होगा और उनका भाग्य चमकेगा, किस्मत चमकेगी, धन दौलत सवाई। चलिए अगली राशि लेते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपका स्वामी बुध ग्रह होता है, और बुध ग्रह जो है वो बहुत ही अनुकूल होना चाहिए जिससे कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएं। तो मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा कलर सूट करेगा, उनके लिए हरा रंग सूट करता है। अगर वो हरे रंग के वस्त्र पहने, हरा रुमाल रखें, हरा तिलक लगाएं, जेब में जो है कोई हरे वस्तु को रखें, या अपने आसपास हरे पर्दे लगाएं, उनकी चादर हरी हो, उनके तकिए के गिलाफ हरे हों, तो बुध ग्रह बलवान होता चला जाएगा। और जब आपका अपना ग्रह बलवान होगा तो आपको किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होगी, धन दौलत ऐश्वर्य सब मिलेगा। तो इसे हरा रंग अपनाए मिथुन राशि वाले। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए उनका स्वामी चंद्रमा होता है, जो मन का कारक है। मन शांत तो बहुत ही अच्छा रहता, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जो ये चंद्रमा है इसको बलवान करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए खास कलर क्या है, और जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए जो लकी कलर है, जो लकी रंग है, किस्मत चमकाने वाला रंग है, वह है सफ़ेद और सिल्वर। सिल्वर कलर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, चांदी का कलर जो होता है ना, वही सिल्वर कलर, वो बड़ा सूट करता है। और इसके अलावा सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने, एक सफ़ेद रुमाल रखें, तो उनकी किस्मत चमकेगी, धन दौलत सब आएगा, उनके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, लकी बन जाएगा वो। हाँ, चलिए अगली राशि लेते हैं जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए उनका स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य तो ग्रहों का राजा है। सिंह राशि वालों के लिए जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती अगर उनके पास उनका लकी कलर हो, लकी कलर से और उनकी जो रंग है वो अच्छे से काम करे। तो लकी कलर क्या है, लकी कलर है उनका लाल। सूर्य का रंग क्या है, लाल।
तो अगर आप लाल रंग को प्रमोट करेंगे, अपने शरीर में लाल वस्त्र धारण करें, लाल तिलक लगाएं, लाल धागा पहने, लाल कलावा पहने, तो आपकी किस्मत चमकेगी बहुत तेजी से। तो सिंह राशि वालों के लिए लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जिनके जीवन में बुध ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उनके लिए बुध ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो वस्त्र धारण करें, उनकी चादर पर्दे सब हरे रंग के होने चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह का कलर हरा होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए लकी कलर कौन सा है? हरा। समझ गए आप? तो हरा रंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो हरे कपड़े धारण करें, हरा रुमाल रखें, कोई भी वस्तु हरे रंग का ही प्रयोग करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र ग्रह धन दौलत प्यार देता है, जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य देता है, बंगला वाहन देता है। तो आपको कौन सा रंग का प्रयोग करना चाहिए? आपके लिए लकी कलर है गुलाबी। गुलाबी रंग का प्रयोग करें, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। गुलाबी रुमाल रखें, गुलाबी वस्त्र पहने, आसपास गुलाबी रंग के पर्दे हों, चादर हों, सब गुलाबी हो, गुलाब का फूल रखें, आपकी किस्मत चमकेगी जी। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिनका कि चंद्रमा नीच का होता है, उन्हें तो रंगों का खास ख्याल करना पड़ता है, नहीं तो जीवन में उनके बड़े दुख होते हैं, परेशानी होती, फ्रस्ट्रेशन होता है, मन अच्छे से काम नहीं करता। तो उनको क्या करना चाहिए? वो उनको कभी कभी स्ट्रेस और डिस्ट्रेस भी हो जाता है, तो उनके लिए उनका खास कलर अपनाए तो जीवन में खुशहाली आएगी। उनका स्वामी मंगल होता है, और मंगल का खास कलर है नारंगी रंग का, यानी ऑरेंज कलर। वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज कलर का प्रयोग करना चाहिए, उनके वस्त्र के रूप में, रुमाल के रूप में, जहाँ बैठते हैं सोफ़ा, चादर, पर्दे सब ऑरेंज कलर के हों, तो उनको कभी कष्ट नहीं आएगा, उनका सब ठीक चलेगा। अगली राशि लेते हैं, जो कि है धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है, और गुरु ग्रह अच्छा हो तो धनु राशि वालों के लिए तो बस मौज है ना, उनके सारे काम बनते हैं, बिगड़े हुए काम बनते हैं, उन्हें जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन गुरु का कलर क्या है? गुरु का कलर है पीला कलर, पीला रंग। पीला रंग धनु राशि वालों को बहुत सूट करता है। उनका लकी कलर क्या है? पीला। तो पीले रंग का आप रुमाल रखें, वस्त्र धारण करें, पीली हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी डाल के पानी में स्नान करें, तो गुरु जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए पीला रंग लकी कलर है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और शनि को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए कहा गया, शनि को बलवान करने के लिए, जिससे आपका लक चमके, किस्मत चमके, आपको नीला और काला रंग का प्रयोग करना है। ऐसे वस्त्र हो नीले और काले हो, काला रुमाल हो, आपकी किस्मत चमकेगी, आपको धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अपनाएं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो जैसे कि मकर राशि का स्वामी शनि है, वैसे ही कुंभ राशि का भी स्वामी शनि होता है। उनका कलर होता है जो लकी कलर है वो नीला और काला है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा नीला और काले का प्रयोग करना चाहिए, उनकी किस्मत चमकती है। उनका चादर, उनका रुमाल, उनके वस्त्र नीले काले हों तो बहुत ही अच्छा रहता है, आगे बढ़ते हैं वो। चलिए अंतिम राशि मीन राशि। बहुत देर इंतजार करना पड़ता है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि का स्वामी तो गुरु होता है, और गुरु का कलर होता है पीला, तो आपका लकी कलर पीला हुआ। आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीला तिलक लगाएं, आप पीले जो है रुमाल रखें, पीले केले अपने आसपास खाएं, खूब गुरु का होता है, तो आपकी किस्मत चमकेगी। पीला रंग आपको लकी बनाएगा, आपके जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। तो आपको अपनाना है पीला रंग, आपका लकी कलर पीला है। इस तरह से आपने जाना कि इन रंगों की दुनिया में, और ये ज्योतिष का जो खेल है, रंगों से कैसे चलता है और कैसे लकी बनाता है। लेकिन अभी जो है आपके लिए एक एक चीज़ जो है आपने नोट कर ली होगी, रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है किस्मत चमकाने में। अगर आप जीवन में खुशहाल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति आए, परिवार में अच्छे रिश्ते बने, कला क्लेश खत्म हो जाए, और आपको सब कुछ अनुकूल हो, आप जहाँ भी जाएं, आप चाहे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप किसी जो है किसी चीज़ को पाने के लिए जाते हैं, आप शादी की बात करने के लिए जाते हैं, तो अपने लकी कलर के अनुसार अगर आप उसको अपनाएंगे तो आपका वो काम आसानी से बनता चला जाएगा, क्योंकि ग्रह आपका साथ देंगे। तो इस तरह से रंगों की दुनिया में देखना चाहिए कि ज्योतिष के आधार पर रंग कितने इम्पॉर्टेंट है, और वैसे ही अपनाना चाहिए इंसान को। तो इसीलिए कहते हैं कि आप निश्चित रूप से रंगों को का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो अच्छा, आप अपनी किस्मत को चमकाओ और अपने ग्रह के अनुसार रंग अपनाओ। मुझे तो इजाज़त।
नमस्कार, राम राम।